मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड सबसे सुबह सुबह धनवी नहावा के रेडी है। ए मॉर्निंग, धनवी नहा के छत पे धूप ले रही है एंड आज है मायके का डे 3 और तिलक कल खत्म हो चुका है एंड तिलक के बाद हम अपने घर आ गए। पीछे आप लोग शोर सुन रहे हो ना, वो किसी के घर पे पूजा हो रही है। इस चीज़ की पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो कल तिलक था, तिलक का ब्लॉग आ चुका होगा इस ब्लॉग से पहले और तिलक खत्म हो चुका है और हम अपने घर आ चुके हैं। शिवम बिल्कुल आने नहीं दे रहा था बट आप सबको बताया कि मेरी एनिवर्सरी है 20 को और सेम डे है मटकोर माटी कोर होता है हमारे यहाँ शादी से एक दिन पहले, तो वो है। तो काफ़ी कंफ्यूजन है कैसे करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो फिर फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि हम डे में अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, छोटा सा केक लाके और केक कटिंग कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। क्योंकि अब सब लोग तो वहाँ हैं, हम भी तो मतलब पूरी फैमिली जब साथ होती है ना तो सेलिब्रेशन करना अच्छा लगता है, बट अभी तो आधे लोग वहाँ आधे लोग यहाँ, तो क्या सेलिब्रेशन करेंगे, तो इसलिए एक छोटा सा केक कट कर लेंगे बस। तो आज ये है हमारी छत, हमारे घर की छत काफ़ी बड़ी है छत और मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ना अपने घर का, गांव के घर का होम टूर कराऊं, मुझे कमेंट में बताना अगर आप लोग चाहते हो तो मैं कराऊंगी, ठीक है। और आज मुझे जाना है मेरे मामा का घर, मामा के घर, अभी तक मैं गई नहीं अपने मामा के घर, और जाना है मार्केट। मार्केट क्यों जाना है, रजनी है ना शिवम की सिस्टर, तो उसने अभी शादी में पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं लिए हैं, तो उसने काफ़ी ज़िद किया कि चल चल यार मेरे को कपड़े लेने हैं। तो मैं और वो और शायद मम्मी मेरी, हम लोग जाएंगे, बमन भी जाएंगी हमारे साथ, तो हम लोग जाएंगे मार्केट कपड़े वगैरह लेने। तो आज आपको एक दूसरा मार्केट दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में, हमारे यहाँ का जो गोपालगंज मेन मार्केट है जिसको हम लोग टाउन बोलते हैं शायद यहाँ के लोग, तो वो मार्केट में आज आप लोग को दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को स्किप मत करो, लास्ट तक देखो और एक शहर से हटके एक गाँव की ज़िंदगी मेरे साथ जियो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, मैं जा रही थी नहाने, लाइट का वेट कर रही थी पानी गर्म करने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ। धनवी, ए धनवी। सो ब्लॉग को आप लोग आगे कंटिन्यू करना, बट उससे पहले मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने लिया इतनी सारी चीज़ें जो अमेजोन से, और अमेजोन पे भी चल रहा है मेगा फैशन सेल, जहाँ पे आपको ऑफ मिलेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो इस सेल का आप लोग फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाएं। एंड मैंने कौन कौन सी चीज़ें लिए मैं आपको साथ शेयर करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन सारे प्रोडक्ट्स का। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं मास्क, आप सबको पता है कि चेन वाले मास्क आजकल इतने ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने दो मास्क लिए हैं, आप साइड में इमेज देख सकते हो। एक ब्लैक कलर में है, इस पे ना सीक्वेंस का वर्क है एंड काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है चेन वाला मास्क। एंड सेम दूसरा गोल्डन कलर में है जो आप साइड में इमेज देख सकते हो, अभी वो मेरा इधर हो गया है, मिल नहीं रहा, मैं डेली यूज कर रही हूँ। सो ये मास्क लिया है और उसके बाद लिया है मैंने ये वाला मास्क जो N95, ये जो मास्क है ये 25 पीसेस का आया है, 300-400 समथिंग, और मेरे जो हस्बैंड है वो यही वाला मास्क यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ इतना सारा ले लिया कि रोज खोलना, रोज न्यू ट्राई करना, ये 25 पीसेस का मुझे मिला है। एंड सेकेंड थर्ड चीज जो मैंने ली है वो लिया है ये किसी कुर्ता वगैरह के साथ पहनने के लिए, डेनम है ये, जो कि जीन्स में है, ये जीन्स फैब्रिक में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसमें बहुत सारे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, 300-400 रुपीज़ में मिला है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है एंड पहनने के बाद लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हो। और उसके बाद मैंने लिया है ये शॉल मेरी मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए ये शॉल लिया है, काफ़ी सुंदर शॉल है, आप लोग देख सकते हो, इसका जो प्रिंट है वो बहुत ही सुंदर है, ग्रीन कलर में है एंड बहुत ही सही लगेगा इस तरीके से अगर आप लोगे तो, साड़ी के साथ भी चल जाएगा, सूट के भी साथ चल जाएगा, अगर आप अपनी मम्मी को गिफ्ट करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने अपनी सासू माँ के लिए ही लिया है, बट सेम इसमें का मैं अपने लिए भी लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे मिला है 600 रुपीज़ में मिला है, तो प्राइस भी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी गर्म है। उसके बाद मैंने लिया है, अभी देख रहे हो सब कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन सा ही हो गया, ये जैकेट जो मैंने अपने लिए लिया है, ये जो मोटा वाला फूला फूला वाला जो जैकेट होता है ना वो है ये, इसके साथ कैप नहीं आता है एंड पहनने पे काफी अच्छा लुक आएगा, अगर आप किसी सूट वगैरह के साथ भी कैरी कर सकते हो, जीन्स के साथ तो ये बहुत अच्छा लगेगा, तो ये बहुत ही सुंदर है एंड ये मुझे 800-900 रुपीज में मिल गया था। तो इन सारे प्रोडक्ट्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। एंड जिप वाला है,
पीछे की तरफ इस तरीके ब्लैक है, काफी ज्यादा गर्म है ये। और उसके बाद मैंने लिया है एक और स्वेटर, ये लिया है मैंने अपनी सासू माँ के लिए, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी मुझे 500 to 600 रुपीज़ में मिल गया था। और ये बहुत मोटा है, बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी मोटा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने वाला है। जैसे कि मम्मी गांव जा रही है आप सबको पता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें लिए कि गाँव में भी ठंड थोड़ा ज़्यादा हो सकती है यहाँ के हिसाब से, तो मम्मी वहाँ पर अच्छे से पहने, उन्हें ठंड वंड ना लगे, इसलिए मैंने ये मंगाया है। तो ये आपकी मम्मी के लिए, अगर या फिर कोई लेडी भी अगर ऐसा यूज़ करती है तो कर सकते हैं। इस तरीके के बटन्स मिलते हैं, इसमें जिप नहीं है, पॉकेट मिलेगा आपको दोनों साइड पॉकेट वाले जैकेट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद मैंने लिया है ये भी डेनिम है, ये नेवी ब्लू कलर में है, जीन्स फैब्रिक में है, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक पॉकेट है, इस साइड भी एक पॉकेट है, तो ये भी मैं सूट वगैरह के साथ अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये लिया है। एंड जब होता है ना कि कभी किसी धूप वगैरह में जाना होता है, जब हमें ज़्यादा मोटा जैकेट वगैरह पहनने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम के लिए ऐसा बेस्ट होता है, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये घर में पहनने वाली वुलन स्लीपर, जो कि मुझे 500 या 600 रुपीज में मिला, अभी मैं पहन चुकी हूँ, पीछे से देख सकते हो गंदा हो गया है। तो इसको अगर जिसका बेबी छोटा है ना, वो ऐसा कुछ जरूर से जरूर ले लो, कि अगर आपको ठंड लगेगी तो आपके बच्चों को ठंड तो लगनी ही लगनी तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। एंड इसको मैं डेली यूज कर रही हूँ, इसमें मेरा साइज है 8, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगाना, अगर आपका साइज 9 है तो आप 8 लेना, अगर आपका साइज 7 है तो आप 6 लेना, एक साइज छोटा लेना, वरना ये थोड़ा सा पहनते पहनते ना फैल जाता है, तो इसलिए। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने अमेजोन से लिया है। तो अभी जो सेल चल रही है उसका फायदा आप लोग भी उठाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से जरूर चेक कर लो। तो चलो आगे ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। तैयार मार्केट जाने के लिए, एंड मैंने ये वाला सूट पहना है, एंड ऐसे ही हम लोग नॉर्मल इधर की तरफ आए, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एंड आप ये सुंदरता देख सकते हो, जो कि कहीं भी नहीं मिल सकती, मुझे लगता है कि कहीं भी नहीं मिल सकती, इतनी प्यारी सुंदर सी जगह। एंड ये वाला खेत है हमारे जस्ट घर के सामने, मैं आप लोग को ना अपना बथान दिखाती हूँ, जिस जहाँ पे गाय बछड़ू वगैरह रहते हैं, वो चीज़ें दिखाती हूँ। ये गांव में सबसे पहले जब एंटर होते हैं ना, तो एंटर होते जो सबसे पहला वो पड़ता है वो हमारे ही पड़ता है। ये तोरी का पेड़ है, ये तोरी का पेड़ है, इतनी सारी तोरियां है, देखो इसको गांव में बोलते हैं घेवड़ा। ये तोरी है और ये है, ये वो है जो जिसमें गाय खाती है, ये तीन वो है, और ये है हमारा छोटा सा बथान जहाँ पे हमारे गाय भैंस रहते हैं। ये वो है जहाँ पे गाय का जो खाती है उसका ये काटते हैं, लेडी काटते हैं। इधर देखो मम्मा, ये इतना बदतमीज लड़का है, ये देखो, अमित लाया छोड़ने और ये फिर जा रहा है दिल्ली, जाएगा बोलते नहीं जाएगा। मम्मी मैं और आप चल रहे हैं रानी, तो यही रहे अपने भाई को भेज भेज के तब जाइयो। तो मैं चला जाऊंगा, चल जब ये आपके बारे में नहीं सोच रहे थे। देखो फाइनली हमने गांव में ही रिक्शा ढूंढ लिया, ऐसी रोड कि झूमते झूमते बंद करे यार इसको, इतनी हंसी आ रही है कि मतलब जब से मीटिंग से बैठे ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा हिल रहे हैं। बवन रेंग, ये देखो बवन सिंह, कहाँ जाती हो? विक्की की आज है बस से जा रहा है वापस दिल्ली, क्योंकि इसका कुछ अर्जेंट बहुत जरूरी काम आ गया है जिसके लिए इनको जाना बहुत जरूरी है, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे और उसके बाद हम मार्केट में काम है वो करेंगे। ये बंदा कसम में रहता, अभी नवाज वहीं जा रहा है, दोस्त देखे
सो ये है हमारे यहाँ का गोपालगंज मार्केट, टाउन में है ये मार्केट। और मम्मी कहाँ है तो मैं, रजनी और रानी गए थे, सिर्फ मम्मी गई और मम्मी मतलब वहीं पे रह गई थी शिवम के यहाँ पे, वो नहीं गई थी तो उसके मतलब वहीं रह गई थी। और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद आई थी, नानी को भी कुछ काम था शिवम की मम्मी को, तो उनके साथ बाद में आई थी बट पहले नहीं आई थी। और ये यहाँ से हमने देखा था साड़ी वगैरह और गाउन वगैरह, बट यहाँ पे हमें कुछ खास पसंद आया नहीं था तो हम लोगों ने एक दो शॉप्स और देखे थे। तो एक गाउन बहुत अच्छा लगा था तो वो गाउन देखा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था एंड प्राइस भी ठीक था तो वो वाला लिया था। जाइए दीदी कहाँ गई? हमारी बिरयानी पार्टी चल रही है, दिखाइए दिखाइए हमारी बिरयानी पार्टी। ए दिनवी, बहुत टेस्टी बिरयानी है, मम्मा खा रही है फिर आपको दूध पे आएगी। मार्केट से हम लोग इतना ज्यादा थक गए हैं, ब्लॉगिंग वगैरह सब भूल गई हूँ मैं, इतनी भीड़ है मार्केट में कि ब्लॉगिंग याद ही नहीं आ रही है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। चिकन चौप पे बड़े बड़े चिकन छपे हुए हैं, बहुत टेस्टी बिरयानी है। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई, देखा बट स्टिल अभी तक कुछ ले चुके हैं बट दिखा भाई। सो मार्केट से आ गए हम लोग घर एंड जो जो चीजें लेनी थी वो ले ली। सबसे जरूरी जो काम था वो था, मुझे तो सिर्फ मिठाई वगैरह ही लेनी थी और ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बट रजनी को कपड़े लेने थे तो इसलिए रजनी ज़बरदस्ती ज़िद करके लेके गई थी। और मम्मी को कुछ काम था, बाकी मुझे तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम था नहीं, मुझे और कुछ लेना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली से सब कुछ लेके आए थे। तो इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड, छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो एंड इसके बाद भी नेक्स्ट बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये ब्लॉग थोड़ा सा देसी था, देसी इसलिए बोलूँगी क्योंकि इसमें हमने गांव से रिलेटेड देखा, तोरी के पेड़ और जिसमें गाय वाई सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। और भी नेक्स्ट ब्लॉग आएंगे जब मैं मामा के घर जाऊँगी तो उसमें भी आपको मेरे मामा के घर का सब चीज़ें देखने को मिलेगी, कौन है क्या है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आगे शादी है, मटकोर है, मेरी एनिवर्सरी है, हम थामे जाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब लग रही है क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा जुकाम हो गया है और यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसलिए फेस थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को, तो इसीलिए तो इस छोटे से ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड और स्टार्ट होगा कल मॉर्निंग से नया ब्लॉग। फिलहाल के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा टाटा। छोटा सा ब्लॉग था, बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं था, सो बाय बाय।